हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अरबाब हसन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अपने प्यारों में आबाद होंगे। सो फाइनली आज हम आपके सामने एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर हो चुके हैं। आज हम एक दफा फिर प्रोमो लेके हाजिर हो चुके हैं। लॉन्ग पूरी किस्त पे हम रिएक्शन नहीं कर सकते, कर भी सकते हैं जुगाड़ लगा लोगों के, पर इतनी लंबी किस्त देखेगा कौन और हम कैसे देखें। अभी तक ड्रामा पूरा नहीं आया और मुझसे इस तरह ड्रामा देखा नहीं जाता थोड़ा थोड़ा करके। सो इसीलिए हम प्रोमो लेके हाजिर हो चुके हैं 19 एपिसोड के, और कुछ थोड़ी सी हमने 18वीं एपिसोड ऐड की है, कुछ 19 के प्रोमो उठाए हैं और वो हम लेके हाजिर हो चुके हैं आप सब की खिदमत में। तेरे बिन, नाम तो बताया ही नहीं है, नाम अब बता दिया ना, तेरे बिन ड्रामे के प्रोमो लेके हाजिर हो चुके हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। उसका फायदा ये होता है कि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप लोगों के दरवाजे तक आसानी से पहुंच जाती है। सो बगैर टाइम जाए किए चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। बस ये यहां नहीं रह सकती, यहां से ले जाओ इसे। गुस्सा क्या हुआ यार? अनवरी, ये भाभी बेगम क्या कह रही है? वो कह रही है कि इसको साथ यहां से ले जाओ। साथ क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि जो कुछ इसने किया उसके बाद इसका इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं रहता। ये इसके शौहर का घर है। अच्छा, ड्रामा खराब हुआ तो कहो इससे, खराब हो रहा है ठीक, इससे कहो कि अपने शौहर को अपना शौहर माने, माने कि वो इसका मजाजी खुदा है, एक बार तो मानो। मान लो। मैं बड़ी खुश हो रही। अगर तुम उसे अपना शौहर नहीं मानती तो फिर यहाँ रहने का तुम्हारा कोई मकसद नहीं है। मेरे ख्याल वो एक्सीडेंट जो हुआ है ना उसके बाद वाला सीन है। ये मेरा घर है, इसके बाप का घर। बाप का घर है, कहो इसे कि तुम वो बाप मान ले, एक दफा बाबा कह के तो पुकारे तुम्हें। बहुत अच्छा हुआ मुत्तसिम के साथ चली गई गांव तुम, क्योंकि मुत्तसिम को अपनी इज्जत अपनी जान से भी प्यारी है, कभी माफ नहीं करेगा तुम, निकाल बाहर करेगा अपनी जिंदगी से। मैं उसे मिलने जा रही। नहीं जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ ना जाओ जहाँ तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करके निकाला गया है। हाँ, लेकिन मुत्तसिम ने मुझे उस घर से नहीं निकाला, वो तो जानता भी नहीं है। जान जाएगा तो आ जाएगा। मीरब अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। कोई तो वजह होगी। माँ है वो तुम्हारी, उन्होंने मीरब को बोला कि अगर तुम मुत्तसिम को अपना शौहर नहीं मानती तो चली जाओ यहाँ से, और वो चली गई। जानते हो इसका मतलब क्या है? ये कि वो तुम्हें अपना शौहर नहीं मानती। नहीं मानती। मैं कराची नहीं जाऊंगी, मैं मुत्तसिम के पास रहूंगी। भाभी बेगम ने तो तुम्हें घर से निकाल दिया। मेरी बेटी मेरे साथ रहेगी, अपने बाप के पास, वहां जहां मैं और नाजिया रहा करते थे। जिसे तुम मुझसे बचा रही हो उसने मुझे बचाने में अपनी जान निसार कर दी। हाय, यही तो गम है, यही तो गम है। क्यों बचाया तुम्हें मुत्तसिम ने, क्यों? यही पूछना चाहती हूँ मैं उससे। मेरा। हाँ मुत्तसिम, मैं यही हूँ, बोलो। मेरा। आज तुम आ रहे थे, ये पता था ना उसे? यहाँ होना चाहिए था उसे, लेकिन नहीं, क्योंकि मुत्तसिम मीरब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। सिम छोड़ दो उसका पीछा, कब तक किसी का दामन पकड़ोगे जब वो अपना दामन खुद छुड़ाना चाहे। उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है,
क्योंकि मीरा अब नहीं आएगी। उसके पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मीरा अब फिर वापस नहीं आएगा। ऐसे डायलॉग था शहर का, आई थिंक इसका नाम शहर है। तो ये शहर बीबी जलती पे सही करके तेल फेंक रही है, पर ये जो तेल फेंक रही है वो एक्सपायर हो चुका है। इस तरह होना शायद हो भी सके, मैंने ड्रामा ना शुरू से देखा है ना यहाँ पे देखे, तो मैं अपनी क्या प्रेडिक्शन आपको दूँ। ये है कि ड्रामा नहीं थी इंटरेस्टिंग मोड में पहुंचा हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त हुआ पड़ा ड्रामा। ये जो एक्सीडेंट हुआ था जब उसने गुस्से में गाड़ी चलाई थी। अच्छा अब ये सोचते होंगे आप, यार सीन भी याद है, ड्रामा भी इसने नहीं देखा हुआ। तो सीन पता कैसे याद है, बाहर टीवी लाउंज में एलसीडी पे ड्रामा चल रहा होता है, तो कभी इधर से मैं बाहर से अंदर आ रहा होता हूँ तो नज़र पड़ जाती है, इधर से वापस जा रहा होता हूँ तो नज़र पड़ जाती है। तो इस तरह के सीन इस तरह मैंने देखे हैं। तो वो जिस तरह गाड़ी में आ रहा होता है, बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है, अब वो पता नहीं उसको उस चीज़ उस टाइम किस चीज़ का गुस्सा होता है, पर मीरा उससे कह रही होती है कि गाड़ी ऐसा चलाओ हम घर पहुँच जाएंगे, पहुँचने वाले हैं, पर वो नहीं मानता और वो ठोक देता है कहीं ना कहीं गाड़ी। तो ये एक्सीडेंट के बाद वाला ये वाला सीन था जो हमने स्टार्ट में देखा है, जब माँ बेगम उससे कहती है कि इसको साथ ले जाओ, ना ये तुम्हें बाप मानती है ना उसको शोर मानती है, ये वो इस तरह की बातें हैं। सो ड्रामा बहुत ज़बरदस्त हो पड़ा है। सो अगर आप चाहते हैं कि हम ड्रामे की पूरी साथ पर रिएक्शन करें, पूरी एपिसोड पर रिएक्शन करें, तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि पूरी साथ पर भी रिएक्शन करें, एपिसोड वन से लेके एंड तक जितनी भी एपिसोड हैं। सो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में देखिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आप लोगों के दरवाजे तक आसानी से पहुँच सके। अपने मेज़बान और बाबा हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।